प्रेम, भाईचारा एवं मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं संत कबीर के दोहे। डॉक्टर सुभाष गर्ग, सदगुरु कबीर के प्रकट तट पर शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। सदगुरु कबीर पंथ महासभा द्वारा सदगुरु कबीर साहेब की 624वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भरतपुर संभाग में पहली बार हर्षोल्लासपूर्वक जयंती मनाई गई, जिसमें 101 महिलाओं के द्वारा कतार बनाकर कलश यात्रा निकाली। मिनी सचिवालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के स्मारक पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण कर झांकियों एवं कलश यात्रा को कबीरपंथी सफेद झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि कबीर पंथ के विचारों को ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कबीर साहब की वाणी आज भी प्रासंगिक है। पाखंड और जातिवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांडों पर कबीर साहब ने जमकर प्रहार किया। राज्य मंत्री गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कबीर साहब के दोहों से प्रेरित हैं, रोजाना उनका श्रवण करते हैं, इसलिए आज देश और समाज को भाईचारा, समानता, प्रेम कायम रखने एवं ऊंच नीच असमानता से ऊपर उठकर मानवता के लिए संत कबीर साहब के पद चिन्हों पर चलकर उपदेशों को मानकर आत्मसात करने की जरूरत है। शहर के बिजली घर चौराहे से मुख्य बाजार होते हुए जगह जगह पानी की प्याऊ लगाकर कलश यात्रा एवं झांकियों का स्वागत सत्कार किया गया। इरादा सर्कल पर कबीर वार्ड का मैरिज होम में इसका समापन किया गया। सैकड़ों की संख्या में कबीर साहब के उपासक उपासिकाओं अनुयायियों को कबीर साहब की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही आयोजक कमेटी के अध्यक्ष एवं महंत द्वारका प्रसाद पपरेरा ने सभी संतों उपासक उपासिकाओं को उपदेश देते हुए बताया कि संत कबीर के दोहे देश और दुनिया में आज भी प्रासंगिक हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत ही नहीं दुनिया के लोगों को धार्मिक कर्मकांडों, कुरीतियों से दूर किया जा सकता है। और बताया, आज भी इस दुनिया में संत कबीर साहब के दोहे मार्गदर्शन देने वाले हैं और ढाई आकर प्रेम का पढ़कर दुनिया की मानवता के लिए इसकी जरूरत है। आयोजक कमेटी ने सभी का आभार जताया और भंडारा आयोजित किया गया। सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। आए संत विभूति आए तो उन्होंने वही संदेश दिया। आज इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम विशेष समुदाय के माध्यम से आप हमारे बीच में हमारे मंत्री महोदय क्या रखने का लिया डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत है। और कबीर के दोहे तो सबने पढ़े ही हैं, बचपन में हमने भी पढ़े हैं स्कूलों में। वो दोहे ऐसा रास्ता दिखाते हैं, आज देश को सबसे ज़्यादा उन दोहों की याद आती है। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस माहौल को ख़त्म करने में कबीर साहब की बड़ी बेहतरीन भूमिका, उनका जो साहित्य है, उनके दोहे हैं। और मैं तो एक बात बताना चाहूँगा राजकुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कबीर के दोहों के बड़े शौकीन और अपने मोबाइल में पूरे दोहे उन्होंने फीड कर रखे हैं। जब भी फ्री होते हैं मेरे को भी सुनाते हैं उन कबीर के दोहों को। और एक बार जब मैं चेयरमैन था तो मेरे से किताब मंगवाई कबीर के दोहों की, क्या सुभाष वो कबीर साहब ने जो दोहे लिखे हैं वो पूरी किताब चाहिए मुझे। तो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, हम सब मिल करके उस रास्ते पर चलने की संकल्प लें आज के दिन। और आप बहनें जो है कलश यात्रा में शिरकत हुई है, आपको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज जो पावन पर्व है, हम सब मिलकर के इस भरतपुर को आगे बढ़ाएंगे। कबीर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि, हमारी पुष्पांजलि तभी होगी जबकि हम कबीर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम संकल्प है। आप सभी लोगों ने मुझे बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद सबका बना रहे, माता बहनों का, भाइयों का, युवा साथियों को और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।
और समाज को आगे बढ़ाएं और ऐसे आयोजन हमेशा भरतपुर जिले में शानदार धूमधाम से मनाए जा सके। मैं ज्यादा ना कह करके अपने शब्दों को यही खत्म करता हूँ और आशा प्रकट करता हूँ कि जो संत समाज हमारी महिलाएं हैं बहुत दूर दराज से पधारी हैं, सभी शोभा यात्रा में बिजलीगढ़ चौराहे पे पहुंचेंगे और साहब की झांकियों के साथ में इसी मैरिज होम में वापस आना है। इसी बीच में हमारे जो बैंड मास्टर जी हैं, बग्गी वाले भाई साहब हैं और जो झांकियों को लेकर के चले थे हमारे ड्राइवर साहब हैं। Hurry, hurry, hurry.